नमस्ते। टुम्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ टुम्पा। आज हम आप लोगों को आमड़ा का खट्टा मीठा चटनी बना के दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छा रेसिपी है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग थोड़ा खाना खाने के बाद एंड में कुछ मीठा चटपटा खाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रेसिपी है। ये खाना खाने के बाद परोसा जाते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को देखिए और अगर अच्छे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं। ये आज मैं आप लोगों को आमड़ा का खट्टा मीठा चटनी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये आमड़ा है, ये बहुत खट्टा होता है। ये हम दाल में डाल के बना सकते हैं और इसका चटनी भी बना सकते हैं। चटनी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मैं आप लोगों को चटनी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आमड़ा लिया। तो चलिए देखते हैं इसके लिए और क्या क्या चाहिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा 5 फोरन और 1 सूखा मिर्च चाहिए। 5 फोरन किसको बोलते हैं मैं दिखाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा सौंफ, जीरा और ये सरसों, इसको एक साथ मिला के 5 फोरन बनाया जाता है। ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर नहीं मिलता है आप घर पे ऐसे आपके पास जो मसाला रहते हैं उसमें मिला के बना सकते हैं। मैंने पहले बना के रख दिया। 50 ग्राम तक गुड़ चाहिए। आप गुड़ के बदले में चीनी डाल के भी बना सकते हैं। और इसमें डालने के लिए हमको मसाला चाहिए, तो इसलिए मैंने आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच सौंफ, आधे चम्मच धनिया और 1 सूखा मिर्च लिया। थोड़ा सा क्रश किया हुआ नारियल और 1 चम्मच ऑयल लिया। सबसे पहले मैं आमड़ा का छिलका निकल लूँगी, तो ये पीछे साइड काट देते। ये देखिए, पूरा छिलका निकल लिया। अभी इसको हम पानी में डुबा के रखते हैं ताकि काला ना पड़ जाए। ये देखिए, मैंने सारे आमड़ा काट लिया। अभी इसको हम बनाएंगे, तो इसलिए हम पानी से निकल के इसको प्लेट में रख देते हैं। चलिए अभी हम आमड़ा का चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया, फ्लेम को मीडियम में रखते हैं। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई को भी थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। अभी ये जो हमने मसाला रखा था ये इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। ये मसाला चटनी में डालने से बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं। देखिए, मसाला हल्का सा फ्राई हो गया। अभी हम फ्लेम को धीमी कर देते और ये मसाला को हम एक कुटाई के अंदर डाल देते। इसको हम दरदरा करके कूट लेंगे। चलिए, वही कढ़ाई हम गैस के ऊपर रख देते। अभी कढ़ाई के अंदर हम ये ऑयल डाल देते। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते। ऑयल गर्म हो गया। अभी इसके अंदर हम ये सूखा मिर्ची ऐसे हाफ करके डाल देते और ये 5 फोरन, इसको हल्का सा फ्राई कर लेते। हल्का सा फ्राई हो गए। अभी हम इसके अंदर ये आमड़ा डाल देते, ये थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिला देते और हल्का सा भून लेंगे हम। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालने का। अभी इसके अंदर ये क्रश किया हुआ कोकोनट डाल देते। इसको भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। चलिए, 1 मिनट हो गए। अभी हम इसके अंदर ये 2 ग्लास तक पानी डाल देंगे ताकि आमड़ा अच्छे से बॉईल हो जाए। जब तक आमड़ा अच्छे से बॉईल होता है तब तक हम मसाला को कूट लेते। पानी में उबालना चालू हुआ। अभी हम इसके अंदर ये गुड़ डाल देते। आप यहाँ पर शक्कर भी डाल सकते हैं और अपने हिसाब से आप मिठास डालिए, आपको जितना पसंद है उतना डालिए।
अच्छे से मिला देते। ये देखिए मेरा आमला भी बॉयल हो गया, पानी भी कम हो गया बहुत। तो अभी जो हम मसाला दरदरा करके पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा मिला देते हैं अच्छे से। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि पानी हम और नहीं सुखाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा। अभी इसको नीचे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए मेरा आमला का खट्टा मीठा चटनी एकदम ठंडा हो गया। ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए अभी हम एक प्लेट पे निकल के सर्व कर लेते हैं। ये देखिए आमरे का खट्टा मीठा चटनी एकदम रेडी है। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जिन लोग खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रेसिपी है। आप इसको घर पर ऐसे ही बना के खा सकते हैं या तो घर पे कोई मेहमान आए उनको बना के खिलाइए। तो आप मेरा रेसिपी को देखिए और अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज यहाँ पर इन करते हैं, मैं आगे भी आऊँगी आप लोगों के पास मेरा नया रेसिपी लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।